सबसे पहले अपने को ये जो लेफ्ट और राइट जो है रहते हैं बेस वाले पाइप, इनको लगा लेना रहता है। ये पीछे का पाइप रहता है, ये जिसकी पुली इस साइड में होती है आउट साइड में, तो ये लेफ्ट साइड से रहेगा फ्रंट में देखने के बाद, और फ्रंट में देखने के बाद ये राइट साइड में रहेगा जो बड़े वाले पाइप रहते हैं। उसके बाद आपको ये जो वर्टिकल पिलर आते हैं दोनों, ये लेफ्ट साइड में और राइट साइड में लगा लेने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लगेगा और यहाँ पे एक लगेगा, दोनों सेम रहते हैं, कौन सा भी किसी भी साइड में लगाया तो चलेगा। फक्त लाउन दा कवर संजू वर्तू इस तरीके से। उसके बाद ये जो बड़े वाले रेड या फिर आपके पास रेड रहेंगे या वाइट रहेंगे, दो पिलर रहते हैं जो एक लेफ्ट साइड में रहता है और एक राइट साइड में रहता है, ठीक है। फ्रंट में देखने के बाद इसका वाला जो है वो लेफ्ट साइड में रहेगा, जिसकी ये जो क्लैंप है, जो ये क्लैंप है ना व्हाइट कलर की, और जो क्लैंप है जिसमें स्टील का पाइप लगता है, वो नीचे के साइड में रहेगी और ऊपर के साइड में सिर्फ और सिर्फ होल रहेगी, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों को साइड वाली जो पट्टी रहती है, जो मोटी पट्टी आती है, उनके साथ में फिट करना होता है। ये वर्टिकल पाइप लगने के बाद में आपको जो है वो ऊपर का जो सपोर्ट रहता है, साइड सपोर्ट, उसको लगा लेना होता है। इसका भी ऊपर का जो सपोर्ट है वो दोनों सेम रहते हैं, जो लेफ्ट का और राइट का जो है वो दोनों सेम रहते हैं, इसलिए कौन सा भी इस साइड में उस साइड में लगा तो चलता है, ठीक है। उसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि पुली ऊपर के साइड में और पीछे के साइड में होती है। इस तरीके से जो बोल्ट आते हैं उससे रेड पार्ट को या फिर वाइट पार्ट को और पीछे का जो बैक पार्ट है उन दोनों को फिटिंग करनी होती है, जिसमें वो प्री इंस्टॉल जो बोल्ट आते हैं उसके साथ में। ऐसे ही सेम आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में और सेम राइट साइड में लगाना होता है। जैसे लेफ्ट का लगाया था उस हिसाब से राइट साइड का भी लगा देना है ऊपर में, ठीक है। ये बीच में का कनेक्टर, इसमें भी सेम सिस्टम रहेगी, आगे की बोल्टिंग पीछे की बोल्टिंग, ठीक है। उसके बाद में ये जो बीच में का जो पोर्शन है जो दोनों फ्रेम को लेफ्ट और राइट साइड वाले को कनेक्ट करता है, वो ऊपर का टॉप फ्रेम रहता है, तो वो टॉप फ्रेम भी जो बोल्ट दिए हुए हैं उसके साथ में वो नट बोल्टिंग हो जाएगा, दोनों को कनेक्ट कर देता है, ठीक है, लाइक दिस। अभी देखिए ये जो बड़ा वाला रेड पार्ट है, ठीक है, उसको नीचे के साइड में कैसे कनेक्ट करना है। पहले तो जो दोनों नट बोल्ट आए उसके साथ में उनको निकाल लेना है अपने को पहले। उसके बाद में ये जो ऐसी क्लिप आई होगी जिसके साथ में एक पुली लग के आई होती है जो कि ये वाली रहती है, ये वाली पुली उसके साथ में लग के आई होती है, उसको निकाल लेना है पहले तो। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है वो ऐसे फिट होता है, दो बोल्ट यहाँ से आ गए, उसके बाद दो बोल्ट नीचे चले जाते हैं, खालून में डाकाना बोल्ट। ये जो पट्टी है इसको ऐसे लगाते हैं, मतलब ऊपर दो बोल्ट, फिर यहाँ पे नीचे दो बोल्ट, उसके साइड में भी इस हिसाब से यहाँ पे दो बोल्टिंग जो यहाँ से आएंगे उनको थ्रू बोल्ट करके इसके ऊपर ये जो पुली है अपनी इसको इंसर्ट कर देना है साथ में ऐसे, और जो नीचे का बोल्ट है उसको टाइट कर देना है खाली, ठीक है। उसको फिर भी फुल टाइट नहीं करना है, जब ये बोल्टिंग करते कौन सा भी नट बोल्ट अपने को फुल टाइट नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हाफ हाफ टाइट करके भी छोड़ दे तो चलता है बस काका, ठीक है। तो इस हिसाब से अपनी ये फ्रेम रेडी हो जाती है, ठीक है। ये फ्रेम होने के बाद इसका आगे का जो चिनअप का बार है वो लगाते हैं और पीछे के साइड का अटैचमेंट लगाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी ये पार्ट लगाते हैं अपना आगे ऊपर का, उस टाइम ये जो डबल पुली का पार्ट है इसको इस तरीके से लगाना होता है। पहले इस साइड से ये पार्ट लग गया और उसको ही अलाइन करके ये वाला जो चिनअप का पार्ट रहता है अपना, इसको होल के साथ में उसको अलाइनमेंट करनी होती है, और उसके बाद उनके टाइट कर देने होते हैं नट ऊपर का, और सेम ही साइड अपने को लेफ्ट साइड में करनी होती है। ये जो ऐसे शोल्डर है इसको ऐसे शोल्डर बोलते हैं, ये जो इसमें और इसमें इन दोनों में जो स्टील का पाइप रहता है अपना लंबा, वो फिट होता है, ठीक है। तो अभी ये ऐसे इंस्टॉल कर रहे हैं आपने, पहले ये वाला लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, स्टील के पाइप में ला जाएगा, और सेम ऐसे के ऐसे ही उस साइड में भी लगता है अपना। ऐसे वो राइट साइड का भी पार्ट लग रहा है यहाँ पे,
उसके बाद जो है ये वाला पार्ट लगेगा जिसपे सीट लगता है अपना और बटरफ्लाई का हैंडल वगैरह लगते हैं अपने सभी, ये वाला पार्ट यहाँ पे लगेगा अपने मशीन में। सिर्फ यहाँ पे जो है वो बटरफ्लाई का पार्ट रहेगा एक स्ट्रेट वाला, ठीक है। ये अपना पार्ट हो गया फिक्स यहाँ पे, ठीक है। इसको सिर्फ अपना स्ट्रेट पार्ट रहेगा अपने वाले मशीन में इस टाइप का, ठीक है। तो इसको सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे लेफ्ट और राइट हैंडल लगाने होते हैं, यहाँ पे जो हैंडल लगेगा उसमें। उसके बाद जो है वो अपने को जो बॉटम वाला पार्ट रहता है उसको लगाना होता है। ये बॉटम का पार्ट है जिसमें जिसके ऊपर अपना जो वेट प्लेट वगैरह वो सब चीज़ें वो होल्ड होती है, ठीक है। तो ये पार्ट रहेगा अपना, इसको नीचे के साइड में नट बोल्टिंग करना होता है इस तरीके से। उसके बाद में आपको जो ऊपर वाला ऐसे शोल्डर रहता है जो स्टील के पाइप जो आते हैं उसको होल्ड करता है, तो ऊपर वाला पार्ट लगाना है ये ऐसा वाला। वो रॉन्गली उन्होंने उल्टा लगा दिया था, उसको उल्टा लगाना है। जो पुली रहेगी ना अपनी, इसमें दो पुली रहेगी शायद, वो ऊपर के साइड में रहेगी, ठीक है। तो उसको ऊपर के साइड में रख के उसको नट बोल्टिंग करनी होती है और उसके अंदर जाएंगे फिर अपने स्टील के पाइप, डैम्पर और जो स्लाइडर रहेगा वो वाला। उसके बाद ये जो स्लाइडर रहता है ये डालने के लिए, यहाँ पे रबर के डैम्पर या फिर स्प्रिंग जो आती है अपनी वो डालने रहती है। उसके अंदर ये जो स्टील के पाइप रहते हैं दोनों, ये दोनों साइड से डालने होते हैं अपने को इस तरीके से। उसके बाद में ये जो वेट स्लाइडर है इसको अपन इसमें डालेंगे। सो अपना यहाँ पे वेट स्लाइडर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर से इसको पैक करके नीचे ऊपर जो है वो नट इंसर्ट रहते हैं उसके अंदर के नट अपने को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से अपना इसका जो बेसिक इंस्टॉलेशन स्ट्रक्चर जो बोलते हैं अपन वो रेडी हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पे जो दो साइड में जो है वो स्टील के पाइप लगेंगे अपने, जो स्टील के पाइप है जिसमें वो बटरफ्लाई का आयता होता है वो दोनों लगेंगे लेफ्ट और राइट साइड में, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। उसके नेक्स्ट में और यहाँ पे हैंडल, जैसे मैंने बताया उस टाइप से जो हैंडल आए हुए अपने उस टाइप के हैंडल रहते हैं, ये दोनों हैंडल अपने लग जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद वाले पोर्शन में अपना केबल राउटिंग रहेगा। ये जो येलो कलर में दिख रहे हैं ऐसे दोनों लेफ्ट और राइट साइड की जो केबल आई होती है, जो दोनों केबल सेम होती है उन्हें अटैच करना होता है, ठीक है। उसके बाद अपन ये बटरफ्लाई की केबल लगाते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई की केबल ऐसी लगती है, एक यहाँ से होगी। उसके बाद ये केबल को ध्यान में रखिए, खाली यहाँ से पास होके वो ये मेरा हाथ है वो केबल पकड़ के चलिए आप यहाँ से, फिर वो आगे यहाँ लॉक हो जाती है ना अपनी, यहाँ से इसके ऊपर जाएगी, यहाँ से इसके नीचे, फिर ये ऊपर जा के ये वाली केबल है वो अपनी ऊपर जाएगी। ऊपर से पहले वाले में जाके ये डबल मूवल में घुस के ऊपर से इस होल के अंदर से जाके सीधे वो नीचे लॉक होती है यहाँ पे। ये दो केबल फिट होने के बाद अपनी बारी आती है सबसे छोटी वाली केबल की, जिसमें ये पुली लगी हुई होती है, ठीक है। अभी ये तो अपनी हैंगिंग है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा छोर है उसको यहाँ से डालते अपन, यहाँ से डाल के उसको सीधा नीचे लेके आते हैं और नीचे इसको यहाँ पे लॉक करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा छोर है जिसमें डबल पुली है वो भी यहाँ पे लगेगा अपना ऐसा, ने सभी केबल जो है वो टाइट हो जाएगी। उसके बाद अपनी रहेगी सबसे बड़ी वाली केबल, ठीक है। तो उसका एकदम सिंपल है, उसको यहाँ से डालना है ये खोल के, यहाँ से वो आएगा नीचे, नीचे वाले इसके पुली के अंदर जाएगा, यहाँ से इसके नीचे से जाके ये मेरे हाथ को देखिए यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ये W है यहाँ से नीचे जाएगा, इसमें यहाँ पे आ गया, यहाँ से वो पीछे जाएगा सीधे 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 पीछे गए यहाँ पे, यहाँ से वो मेरा हाथ देखिए यहाँ से वो डबल पुली, ये जो सिंगल पुली है इसमें जाएगा, यहाँ से फिर से नीचे आएगा ये केबल से सीधा नीचे जाएगा, नीचे जाके यहाँ पे लगेगा, यहाँ से सीधा रिटर्न होके जैसे उस साइड का था वैसे ही यहाँ से ऊपर जो है वो W में, W से नीचे यहाँ से फिर आगे जाके यहाँ पे वो लॉक हो जाएगा ऐसे।